हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ त्यागी और आज आपसे मैं बात करूंगा योग के बारे में। दोस्तों, क्या योग वास्तव में हमारे लिए सही है? क्या योग वास्तव में हमारे जीवन में कुछ कर सकता है? आज मैं दोस्तों इसी बारे में आपसे बात करूंगा। आजकल दुनिया में योग का डंका बजा हुआ है। दोस्तों, योग भारतीय ज्ञान की 5000 वर्ष पुरानी शैली है। हालांकि हिंदुस्तान के साथ साथ आजकल इसे विदेशों में भी अपनाया जा रहा है और योग पर दिन प्रतिदिन प्रयोग किए जा रहे हैं। योग की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है दोस्तों कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे मनाने का प्रस्ताव रखा तो रिकॉर्डेड 177 देशों ने न केवल समर्थन किया बल्कि वे इसके सह प्रस्तावक भी बने। भारत से ज्यादा योग विदेशों में फैल चुका है और कोई भी ऐसा देश या ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पे योग को ना अपनाया गया हो। दोस्तों, यह योग का चमत्कार ही है दोस्तों कि 30 करोड़ की जनसंख्या वाले अमेरिका में करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग योग करते हैं। जैसे बाहरी विज्ञान की दुनिया में आइंस्टाइन का नाम सर्वोपरि है, वैसे ही भीतरी विज्ञान की दुनिया के आइंस्टीन है पतंजलि। पतंजलि ने ही भारत में योगा को ज्यादा बढ़ावा दिया और पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। यहां पर यह बात बतानी बहुत जरूरी है दोस्तों कि योग का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये बात सच है कि योग का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, हिंदू संस्कृति में हुआ है। हजारों सालों से हिंदू ऋषियों मुनियों ने योग पर रिसर्च किए हैं और कई अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन योग धर्म आस्था और अंधविश्वास से परे है। दोस्तों, योग न तो आस्तिक है और न ही नास्तिक है। योग एक सीधा साधा विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान है, जहां पे हम अपने शरीर के साथ अपनी आत्मा के साथ प्रयोग करते हैं। योग है जीवन जीने की कला। योग एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है दोस्तों। तो जो लोग योग को धर्म की दृष्टि से देखते हैं और यह सोचते हैं कि यह दूसरे धर्म की देन है तो वो इसके लाभ से हमेशा के लिए वंचित हो जाते हैं। दोस्तों, किसी भी विषय के बारे में जानने के लिए उसके लाभ और हानि दोनों का जानना बहुत जरूरी होता है। अब जबकि योग इतना महत्वपूर्ण है तो फिर ये सवाल क्यों उठा कि क्या योग वास्तव में हमारे लिए सही है? इसको समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर योग है क्या। हालांकि कई लोग योग को केवल शारीरिक व्यायाम ही मानते हैं, जहां लोग शरीर को मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, खींचते हैं और श्वास लेने के मुश्किल तरीके अपनाते हैं, लेकिन योग सिर्फ व्यायाम और आसन नहीं है दोस्तों। योग हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा के बीच संयम को स्थापित करता है। इससे हमारे शरीर की संपूर्ण शक्तियां जागृत होती है। योग एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अनुशासित तरीके से किया गया अभ्यास है। जी हाँ दोस्तों, अनुशासित तरीके से। अनुशासित शब्द पर प्लीज ध्यान दो, क्योंकि आज का ये विषय इसी शब्द को लेकर बना है। योग एक तकनीकी रूप से शरीर और मन को नियंत्रित करने का तरीका है। जैसे जैसे हम योग करते हैं वैसे वैसे हमारे मन, हमारे शरीर और हमारी आत्मा का संपर्क मजबूत होता जाता है और हमारा जीवन सरल व सकारात्मक होता जाता है। दोस्तों, योग मिलकर बना है प्राणायाम और मेडिटेशन से। प्राणायाम से हमारी शारीरिक शुद्धि होती है और मेडिटेशन से हमारी मानसिक शुद्धि होती है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो होता है मानव का संपूर्ण विकास। प्राणायाम मतलब प्राण प्लस आयाम। प्राण मतलब श्वास और आयाम मतलब आना जाना, यानी कि शरीर में श्वास का आना और जाना। इसी के विज्ञान को ही प्राणायाम बोलते हैं। दोस्तों, जो लोग अज्ञानता में बिना किसी प्रशिक्षण के योग शुरू कर देते हैं और योगासन करते समय श्वास को किस तरह से लिया जाए या किस तरह से ना लिया जाए ये नहीं जानते हैं तो फिर इसके उल्टे परिणाम भी हो सकते हैं। या जो लोग योगासन करते समय गलत तरीके से अपने शरीर को मोड़ते हैं वो भी असहनीय दर्द का शिकार हो सकते हैं। तो प्रशिक्षण के साथ साथ अनुशासित तरीके से योगासन को करना बहुत जरूरी है दोस्तों। योग वास्तव में हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन वो तभी है जब उसे प्रशिक्षित और अनुशासित तरीके से किया जाए। तो योग में कोई त्रुटि नहीं है दोस्तों, त्रुटि है हमारी अज्ञानता में। मेरा तो प्रस्ताव यही आप लोगों के लिए कि जब भी आप कोई योगासन करें तो सबसे पहले उसके प्रयोग की विधि को बहुत अच्छी तरह से समझ लें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो योग से सच्चा मित्र आपका कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों को मजबूत करता है दोस्तों। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके विचार मेरे लिए बहुत जरूरी है, जो कि मुझे आगे वाली वीडियो में हेल्प करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।